हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पेनम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही एकदम नई रेसिपी बनाऊंगी लंच में, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मटर की कोई नई रेसिपी बनाइए। तो मैं आज उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैं आज ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और ये रेसिपी जब मैंने बनाई तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और आप जब आप देखेंगे इस रेसिपी को तो आप भी जरूर बनाएंगे, इतना ज़्यादा पसंद आ जाएगा आप लोगों को, क्या बताएं। एकदम नई रेसिपी है, मैंने पहली बार बनाई है और ये जो मैं मटर से बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम जो है हरे मटर को छील करके अच्छे से धुल लिए थे, इसको हम मिक्सी जार में डाल करके जो है, और इसमें थोड़ा सा जो है मसाले ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा मसाले नहीं ऐड कर रही हूँ, बस एक हरी मिर्च और थोड़े से लहसुन की कलियाँ डाल करके हम इसको दरदरा सा पीस लिए हैं। इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। आप समझ रहे होंगे कि अब मैं निमोना के लिए पीस रही हूँ, पर ये निमोना नहीं है, मैं इसकी एकदम अलग रेसिपी बनाऊँगी। मैं खुद ही पहली बार इसको ट्राई कर रही हूँ कि देखते हैं कि कुछ नया बनाते हैं तो वो कैसा लगता है खाने में। तो मैं इसको जो है एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अगर मेरी ये एकदम नई रेसिपी मटर वाली आपको पसंद आएगी तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक से, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर दिए हैं, तो नमक है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, जीरा, ये सब डाल करके इनको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो इनको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी मसाले, जो थोड़ा सा स्पाइसी या चटपटा बनाना चाहते हैं, इसमें और भी मसाले आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जो हरी मिर्च का यूज़ किया था पीसते समय, तो इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं की हूँ। अब सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर गैस पर चढ़ा दिए हैं एक भगोनी, इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 से 1.5 कप के करीब इसमें हम पानी डालेंगे। और जो हम जो प्याज और टमाटर को रफली काट करके रख लिए थे ना, मतलब क्या है, एक में बस केवल 4 टुकड़े किए थे, ज़्यादा बारीक नहीं काटे, उनको हम इस पानी में डाल देंगे। और इसी में हम साथ में जो है वो लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे, 8 से 10 कलियाँ जो है हम छील करके इस तरह से रख लिए थे। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से साबुत गरम मसाले, तो दालचीनी है का एक टुकड़ा डाल दिए हैं, 1 बड़ी इलायची डाल दिए हैं, 1 छोटी इलायची डाल दिए हैं। और ये सब डालने के बाद हम इसमें थोड़े से मूंगफली के दाने ऐड कर देंगे। अब ये पानी गर्म हो गए तो इसके ऊपर हम एक जाली रख देंगे। तो अब इस जाली को हम क्या करेंगे, आयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास जो है स्टीमर है तो आप स्टीमर पे भी जो है अच्छे से इसको बना सकते हैं, पर मैं इस तरह से इसको जाली पे ही बनाऊंगी इस तरह से। तो अच्छे से ग्रीस जब कर लेंगे तो जो हम मटर पीस करके रखे हैं उसकी जब बढ़िया बनाएंगे ना, तो वो इसमें चिपकेंगे नहीं, बहुत आसानी से छूट जाएंगी पकने के बाद। तो ये जो जाली है बहुत अच्छे से जो है ग्रीस हो गई है। तो अब जो मटर हम पीस करके रखे थे, उसमें जो मसाले ऐड करके रखे थे, उसको लेंगे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी बड़िया बनाते जाएंगे और इसी जाली पर रखते जाएंगे। नीचे से जो पानी है वो गर्म हो रहा है, तो जो हम बड़िया रखेंगे ना, तो बड़िया जो है अच्छे से स्टीम होकर के पक जाएंगे। तो बड़ियों को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, बस छोटी छोटी बड़िया इस तरीके से बनाना है। ये जो रेसिपी है ये फ्रेश हरे मटर से जब बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि जो है ये ताज़ा मटर रहता है तो इसमें थोड़ी सी मिठास होती है। वैसे तो फ्रोजन मटर तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में, लेकिन नॉर्मली जो मटर पनीर है वगैरह, आलू मटर टमाटर, उसमें तो बनाते हैं तो ठीक लगता है। लेकिन इस तरह से जब हम कोई नई रेसिपी बनाते हैं तो उसके लिए जब हम फ्रेश हरी मटर का ही यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। और ये तो मैंने पहली बार बनाया है। इस रेसिपी को आप लंच में, डिनर में, नाश्ते में कभी भी बना सकते हैं। ये तो मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी, ये मेरी सब्जी रेसिपी है लंच बॉक्स की। लेकिन अगर इसको आप इस तरह से नाश्ते में भी बना करके चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जैसे कि मसूर दाल, चने की दाल की बखौरी बनाते हैं ना सभी लोग नाश्ते में, तो उस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार होगा। अगर इसको चटनी के साथ, चाय के साथ खाएंगे, अगर थोड़ा सा इसको फ्राई करके खाएंगे, तभी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर जो हमारी बढ़िया हैं बहुत अच्छे से स्टीम होकर के पक गई हैं। जो हमने इसमें प्याज और टमाटर को काट करके डाला था वो भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये बढ़ियों को जो है अब निकाल करके प्लेट में रख लेंगे।
तो ये निकालना बहुत आसान है क्योंकि हम इसको जो है ग्रीस कर लिए थे, बहुत आसानी से बढ़िया जो है जाली से निकल रही हैं। और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लिए हैं तभी निकाल रहे हैं, एकदम गरम गरम निकालेंगे ना तो चिपकने लगेंगी और हाथ भी जलने का डर रहेगा। तो हम इस तरह से जब तक वड़ियों को निकालेंगे, जो हमारे लहसुन प्याज टमाटर थे गल करके तैयार हुए हैं वो भी ठंडे हो जाएंगे। और देखिए मैंने इस तरह से सारी वड़ियों को निकाल लिया है और ये जो लहसुन प्याज टमाटर थे वो भी अब थोड़े थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो इनको हम जो है मिक्सर जार में डाल देंगे और इन्हें जो है हमें बारीक पीस करके इनका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। लेकिन अभी ये थोड़े से गर्म है, इसमें से आप देख ही रहे हैं कि भाप निकल रहे हैं, तो इनको हमें तुरंत नहीं पीसना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम पीस करके तैयार कर लेंगे और जैसे जैसे हम डालते जाएंगे, देखिए अब ठंडे भी हो गए हैं तो, और ये जो पानी बचा है इसको फेंकना नहीं है। तो यहाँ मैंने इसको देखिए स्मूथ सा पेस्ट पीस करके तैयार कर लिया है। और फिर हम आ गए हैं यहाँ गैस पर और यहाँ रख दिए हैं कढ़ाई। तो यहाँ मैं नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। तो इसमें हम डाल दिए हैं 1 चम्मच तेल, इसमें ज़्यादा तेल का यूज नहीं करेंगे, बहुत कम तेल में बनाएंगे जिससे कि ये थोड़ा हेल्दी भी बने और टेस्टी भी बने। इस तरह से हम जो है कढ़ाई में तेल को फैला दिए हैं और जो बढ़िया हमारी ठंडी हो गई हैं उनको हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इनको इस तरह से स्टीम करके ही खा सकते हैं या इस तरह से जिस तरह से मैं इनको थोड़ा सा सेक रही हूँ इस तरह से सेक करके आप खा सकते हैं, या आप इनको जो है डीप फ्राई भी करके खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। मगर मुझे इनका जो है सब्जी बनाना है तो इसलिए मैं इनको जो है फ्राई नहीं करूँगी, इस तरह से 1 चम्मच तेल में अच्छे से सेक लूँगी। और ये सेकने के बाद भी मैं थोड़ा सा इस तरह से सबको खाने के लिए दे दूँगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं पूरी बड़ियों का यूज़ सब्जी में नहीं करूँगी, थोड़ा सा नाश्ते में यूज़ करूँगी, थोड़ी सी सब्जी बनाऊँगी। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से हिलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे, इनको ज़्यादा चलाएंगे नहीं वरना ये जो है टूट जाएंगे, क्योंकि हम इसमें तेल ज़्यादा नहीं डाले हैं और ज़्यादा से बढ़िया डाल दिए हैं साथ में। तो इस तरह से कढ़ाई को लड़ते पुलटते हम इस तरह से इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से सेक गई हैं, मतलब ज़्यादा नहीं सेकना है इनको, बस हल्का सा सेकना है कि थोड़ा सा इसमें जो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तब तक ये सीख रही हैं, हम कुछ मसाले जो है निकाल करके इकट्ठा कर लेते हैं। तो इन्हें मैं बेसिक मसालों से बनाऊंगी, तो इसके लिए स्पेशल मसाला नहीं तैयार करूंगी, जो डेली मैं यूज करती हूँ मसाले बस उसी मसाले का यूज करके मैं इसे बनाऊंगी। और हाँ, यहाँ हमारे मसाले सारे इकट्ठे हो गए और हमारी बढ़िया भी जो है अच्छे से सीख गई हैं। तो इनको अब हम क्या करेंगे, इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं एक बाउल में इनको पलट ले रही हूँ और फिर सेम उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल। आप चाहें तो इस सब्जी में इन बड़ियों को बिना सेके हुए यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ सेक करके बना रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा और भी ज़्यादा टेस्टी बने, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ तभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि देख कि मतलब इस तरह से जब बनाते हैं इसकी मटर की रेसिपी तो वह खाने में कैसी लगती हैं। तो यहाँ जीरा डाल दिए हैं, जीरा भी जो है तड़क गया है, तो इसमें हम लाल काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं 1.5 चम्मच। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। और ये जो पेस्ट हम तैयार किए वो भी डाल दिए हैं, लेकिन डालने के बाद तुरंत ढक दिए हैं क्योंकि इसके छींटे बहुत बाहर पड़ने लगते हैं, जब ढक देते हैं ना तो छींटे आना बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए अब जो छींटे आना बंद हो गए तो इनको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने हैं तो आप देख ही रहे हैं ना कि उससे कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है, और जो इसमें मूंगफली के दाने डाले थे उससे जो है ये पेस्ट बहुत क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है। तो इसमें मुझे क्रीम या दही डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें अब हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम डाल दिए हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ही डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, और डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ही नमक, क्योंकि जो बढ़िया बनाए हैं उसमें भी हम नमक डाले हैं और उसमें हरी मिर्च का यूज किए थे तो इस वजह से मिर्च मैं कम ही डाली हूँ। तो इन सबको कर लेंगे मिक्स, नमक डालने से मसाले जो है बहुत अच्छे से भून जाते हैं और मसालों को हमें बहुत अच्छे से देर तक इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है जिससे कि मसालों का कच्चापन निकल जाए और अच्छे से भून जाए। जितने अच्छे से हम मसालों को भूनेंगे ना सब्जी हमारी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसमें अब हम ये पानी डाल देंगे जो हम बॉयल करके रखे थे तो उसमें से निकला था पानी,
और इसको करेंगे मिक्स। तो अभी जो है ग्रेवी हमारी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है, थोड़ा सा इसको अभी पतला रखना है क्यों, तो इसमें हम डाल देंगे एक गिलास पानी। अब इससे ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, इतना पतला ही रखेंगे, क्योंकि जब अभी ये ग्रेवी हमारी पकेगी ना तो गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। उसके बाद इसे ढक करके हम 5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, जिससे कि ग्रेवी का कच्चापन जो है वह निकल जाए, बहुत अच्छे से ग्रेवी पक जाए। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से पक करके तैयार हो गई है और ये गाढ़ी भी हो गई है। लेकिन अभी इसमें जब हम बड़ियाँ डालेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी होगी, तो इनमें हम बड़ियों को डाल देंगे और कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और उसके बाद हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट तक जो है इनको हम ढक करके पकाएंगे, जिससे कि बड़ियाँ जो है वो मसालों को नमक को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। और 2 मिनट बाद गैस बंद कर देंगे। तो 2 मिनट बाद ये देखिए जो है सब्जी हमारी फाइनली बन करके तैयार हो गई है। इसमें हम डाल देंगे भुनी हुई कसूरी मेथी और कटे हुए धनिया के पत्ते और इन्हें करेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद इनको हम ऐसे ही रख देंगे ढक करके और अभी हम बनाएंगे रोटियां। जब तक हम रोटियां बनाएंगे ना तो आप देखेंगे उसके बाद हमारी सब्जी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होकर के तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमें रोटी के साथ खाना है। अगर चावल के साथ खाना हो तो आप ग्रेवी को इसी तरह से इतना पतला रख सकते हैं, पर हमें रोटी के साथ खाना है तो इस वजह से मैं ग्रेवी को थोड़े गाढ़े रखूँगी। तो ये देखिए हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया और चल रही हूँ मैं सर्व करने के लिए। तो आप देख ही रहे हैं ना कि मेरी सब्जी कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलेंगे हम अगली एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।